एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द अल्टीमेट सोल्यूशन में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सीखेंगे कि अगर आप इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए एक फ्लिप बुक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे तो वैसे यह तो देखने में बड़ा कठिन लगता है कि आप इतने फोटो कैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यह आप फ्लिप और वैसे यह और वैसे अगर देखा जाए तो यह देखने में बड़ा कठिन लगता है कि आप इतनी फोटो कैसे क्लिक करेंगे वन बाय वन फिर एक फ्लिप बुक बनाएंगे लेकिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार की कोई वीडियो ए की वीडियो फाइल है ए वर्जन की तो आप उसे फ्लिप बुक में कैसे कन्वर्ट करेंगे मीन्स आप उसकी उस वीडियो से फ्लिप बुक कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए आप गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आप यहां पर टाइप कीजिए फ्लिप बुक प्रिंटर यहां पर फ्लिप बुक प्रिंटर पर टाइप क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे फ्लिप बुक प्रिंटर डाउनलोड करके आएगा आप इसे ओपन कर लीजिए या तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हम यहां से जो फ्री डाउनलोड है हम उसे यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और अगर आप चाहे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो हम यहीं से डाउनलोड कर देंगे डायरेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि यह तीन एमबी की एक छोटी सी फाइल है आप यहां से इसे डाउनलोड करके ओपन फोल्डर कर लीजिए ओपन फोल्डर करने के बाद आप यहाँ पर इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए ओके तो जैसा कि मैंने अपने कंप्यूटर में इसे पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है आप देख सकते हैं फ्लिप बुक प्रिंटर करके तो हम यहाँ पर ये यह जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपको पांच टैब दिए हुए हैं मूवी कंट्रोल कार्ड स्टॉक और कवर पेज और बैक पेज और प्रिंट ऑप्शन तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे मूवी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे मूवी कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फोल्डर का आइकन मिलेगा आपको फोल्डर या फाइल का आइकन आप उस पर क्लिक कीजिए उस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी ए फाइल में वीडियो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फाइल यह सपोर्ट करेगा ए फाइल या एम फाइल तो हम क्या करेंगे आपकी जो वीडियो फाइल है वो ए फाइल में होनी चाहिए या तो फिर एम फाइल में होनी चाहिए तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे ओपन पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहां से इसे प्ले करके देख सकते हैं तो यहाँ पर प्ले करके देखने के बाद आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए जो ये सारी सेटिंग है सेट फ्रेम एंड फ्रेम आप इसे आई सी सी रहने दीजिए आप इसमें आप इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए उसके बाद में यहाँ पर कार्ड स्टॉक है आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी उसकी हाइट है उसका जो भी स्पेस का सेटिंग है आप उसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए आप उसे यहाँ पर कुछ भी इसके साथ में छेड़खानी मत कीजिए फिर उसके बाद में आप पर कवर पेज पे आ जाइए तो कवर पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलकम टू माय फ्लिप बुक तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं तो जैसा कि मेरी डॉटर है मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा ऋषिदास फ्लिप बुक और हम यहाँ पर इसे सेंटर में ले लेंगे और यहाँ पर जो प्रिंट कवर पेज लिखा है आप उस पर टिक कर दीजिए तो आप जब भी इसका प्रिंट लेंगे तो यहाँ पर यह कवर पेज पे आप इसे लगा दीजिए तो यहाँ पर हम इसे टिक कर लेंगे उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि कवर पेज पे कोई आपकी इमेज भी शो हो तो हम यहाँ पर यूज इमेज पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो भी कवर पेज पर शो हो जाएगी तो ये जहाँ पर देखिए लिखा हुआ यूज फर्स्ट फ्रेम एज ए इमेज तो आपका जो पहला फ्रेम होगा ये वाला यह इमेज के रूप में आपके जो फ्रंट में है कवर पेज के उस पर छप जाएगा तो फिलहाल तो मुझे ये कि यूज इमेज नहीं चाहिए फ्रंट में तो मैं यहाँ से इसे अनटिक कर दूंगा अनटिक करने के बाद यहाँ पर बैक पेज पे भी है तो यहाँ पर आप चाहे तो आपका जो भी बैक पेज पे आप लिखे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दीजिए कि थैंक्स फॉर वॉचिंग आप जो चाहे वो लिख सकते हैं आप इसे भी सेंटर में ले लीजिए एंटर मार के उसके बाद में यहां पर प्रिंट बैक पेज पे क्लिक कीजिए फिर यहां पर आ जाइए प्रिंट ऑप्शन में तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर पांच पेज में हमारा जो प्रिंट है तो वह पांच पेज बनेगा मिस आप जब इसका कलर प्रिंट निकालेंगे तो आपकी पांच पीटीएफ फाइल बनेगी तो यहाँ पर प्रिंट रिव्यू है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाँच पेज इन और अगर आप चाहते हैं कि यह और अधिक से अधिक पेज में बने और हमारी फ्लिपबुक और अच्छे से आए तो फिर आप क्या कीजिए यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ है तो यहां पर जो ऊपर का एरो है आप उसे क्लिक करके इंक्रीज करते जाइए तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पेज की संख्या है वह बढ़ती जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वीडियो 20 से 30 सेकंड की है तो कम से कम आप क्या कीजिए उसे 10 पेज में उसका प्रिंट लीजिए आप पर जितना ज्यादा पेज में प्रिंट लेंगे आप, आपकी जो फ्लिप बुक है वो उतनी ही अच्छी बनेगी तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर पेज की संख्या है वह ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पेज में हमारा जो ये पी है वह बन जाएगा तो यहां पर प्रिंट नाउ पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और यहां पर आप कुछ मत कीजिए जो यहाँ पे कार्ड स्टॉक है आप यहां पर इसे कुछ मत कीजिए एच उसे रहने दीजिए फिर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये जो प्रिंट है या यहाँ पर इसका सीरियल नंबर भी दिया हुआ है दस पाँच दस पंद्रह तो इसी प्रकार के जितने भी पेज हैं वो सब सीरियल नंबर से आ जाएंगे फिर आपको क्या कीजिए आप इसकी जो कटिंग करके तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रिंटर है वो ले लेते हैं हाँ एक बात और यहाँ पे आपको ये जो प्रिंट है वो पोर्ट्रेट में चाहिए या तो लैंडस्केप में वो देख लीजिए और यहाँ पर आपको आपका जो कलर प्रिंट आउट का पेपर का साइज है वो क्या चाहिए तो यहाँ पे जितने भी पेपर के साइज है वो आपको अवेलेबल दिखेंगे तो जैसा कि हमने ए फोर लिया है फिर यहाँ पर हम इसे यहाँ पर प्रिंट नाउ पे क्लिक करेंगे प्रिंट नाउ पे क्लिक करने के बाद हम इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे सीरियल नंबर वाइज तो ये जो पेज नंबर वन है वन एंटर टू एंटर इसी प्रकार से आप पर दस तक उसे सीरियल नंबर से सेव कर लीजिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहां पर जो भी हमारी दस पेज का पी है वह सेव हो जाएगा और हम इसे यहां से मिनिमाइज कर देंगे मिनिमाइज करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस पेज का आपका पी बन गया है ये यह देखिए यहाँ पर पेज नंबर वन दस तीस पचास सत्तर ऐसा फिर ये पेज नंबर टू एक दो बारह ऐसा तो आप क्या करेंगे जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ना प्रिंट निकालने के बाद ना ये जितने भी सीरियल नंबर है एक फिर इसके बाद में यहाँ पर दो तो आप एक के पीछे एक उसे लगा लीजिए और लगाने के बाद आप बुक बाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार से आप उसे स्टैफल करके इसकी बाइंडिंग कर लीजिए या तो आप घर में ही उसे बना सकते हैं तो इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने लिए या तो फिर अपने बच्चों के लिए या तो फिर आपको किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है उसके लिए इस प्रकार की फ्लिप बुक बना सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मैं आपसे फिर मिलूंगा अपनी इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें